दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप अपने कंप्यूटर को वीपीएन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये फीचर आपको विंडो में भी मिलता है। इसके लिए आपको नेटवर्क सेटिंग में आना होगा। तो चलिए नेटवर्क सेटिंग में ओपन नेटवर्क सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको वीपीएन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए। यहाँ सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड ए वीपीएन कनेक्शन। नीचे वाला ऑप्शन छेड़िएगा मत, जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, ऑन रहता है। आपको क्लिक करना है ऐड ए वीपीएन कनेक्शन पे। यहाँ देखिए ऐड ए वीपीएन कनेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कई ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आएगा वीपीएन प्रोवाइडर, यहाँ उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, विंडो बिल्ड। दूसरा आएगा कनेक्शन नेम, और नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो, आपके पहचान के लिए होता है। तो सबसे पहले विंडो बिल्ड कर लेते हैं। कनेक्शन नेम में कुछ भी डाल सकते हैं। सर्वर का नेम, सर्वर का जो आईपी है वो आपको जानना मेन है। इसके लिए आप vpnbook.com ओपन कर लीजिए किसी भी ब्राउज़र में। यहाँ PPTP करके और VPN करके दो ऑप्शन दिखेगा, लेफ्ट राइट दोनों फ्री है। आपको VPN PPTP कनेक्ट करना है। आप यहाँ पे कई सारे सर्वर मिलेंगे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, US, तो कहीं का भी आप एड्रेस लेके अपने कंप्यूटर को VPN से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ से कनाडा का ही चूज कर लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जो लेना चाहें ले लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा लेफ़्ट साइड वाला PPTP से कनेक्ट करना है, ना कि आपको राइट साइड से। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं कनाडा का एड्रेस। ये देखिए, ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए और उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया, अब आपको दोबारा उस पेज पे आना है जहाँ पे वो मांग रहा था ये सर्वर एड्रेस। लेकिन उसके पहले आप कनेक्शन नेम जैसे बताया कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ VPN बुक। आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें दे दें। सर्वर नेम में जो आपने कॉपी किया था वो आपको वहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और VPN जो VPN टाइप है, सर्वर टाइम टाइप में डाल लिया, VPN टाइप में आपको PPTP सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मिलेगा PPTP, जो आपने वहाँ से कॉपी किया था आपको मिल गया, ले लिया आपने, देखिए। उसके अलावा आप इन चीज़ों को ऐसे एज इट इज छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड रहने दीजिएगा, ठीक है। और इसको सेव कर दीजिएगा, यानी नीचे सेव का ऑप्शन है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये कनेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए VPN बुक नाम से कनेक्शन बन गया है। इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। देखिए इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको कनेक्ट, रिमूव और एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट वाले पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। फिर से आपको उस पेज पे जाना है, vpnbook.com जो आपने ओपन कर रखा है। यहाँ नीचे यूजर आईडी है, उसे कॉपी कर लीजिए और ला के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पासवर्ड दोस्तों पेस्ट नहीं होगा, पासवर्ड कॉपी पेस्ट नहीं होगा, उसको आपको नोट करना पड़ेगा, देख लीजिए एक बार। और उसको जो पासवर्ड वहाँ लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए पासवर्ड कॉपी कर देख लेता हूँ, और फिर वहाँ पे हम इसे फिल करेंगे और ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए पासवर्ड डाल लेता हूँ दोस्तों, ओके करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 सेकेंड का, और आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। आपका कंप्यूटर VPN से कनेक्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन यूज। आप जैसे चाहें वैसे VPN का यूज कर सकते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा इसको श्योर करना चाहते हैं तो हु व्हाट इज़ माय आईपी पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। वेबसाइट होती है व्हाट इज़ माय आईपी, तो आपको एक अलग आईपी दिखाएगा जो कि आपके प्रोवाइडर का नहीं होगा, कनाडा का, जहाँ से भी आप कनेक्ट करेंगे वहाँ का दिखाएगा। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। परमानेंटली ये आपके कंप्यूटर में रहेगा जब तक कि आप इसको रिमूव ना करें। आप इस तरह कनेक्ट कर लीजिए या डिसकनेक्ट कर लीजिए। चलिए कनेक्ट करके मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जो कि नॉर्मली ओपन नहीं होता है, टोरेंट का वेबसाइट है। तो चलिए हमने एक VPN से कनेक्ट कर रखा और ये देखिए वेबसाइट ओपन है गई। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट दोस्तों।